स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। आज हम बेसिकली ऊजेनेसिस अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया जब भी होती है तो उस समय जो पहली घटना होती है वो युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस की होती है। ये जो गैमेटोजेनेसिस है, युग्मक जनन है, इस क्रिया में जो गोनेड्स हैं, जनद हैं, उनमें युग्मकों या गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं और उसी क्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है, युग्मक जनन है, ये दो प्रकार का है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, दूसरा ऊजेनेसिस अंड जनन। एक लेक्चर हमने अलग से स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन के बारे में बनाया और आज का लेक्चर हमारा अंड जनन ऊजेनेसिस के बारे में है। तो डिस्कस करते हैं कि जो फीमेल मेंबर है, मादा सदस्य है, उनके गोनेड में, तो जो फीमेल गोनेड है वो है ओवेरी अंडाशय। उस फीमेल गोनेड ओवेरी में फीमेल गैमेट यानी ओवा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन ऊजेनेसिस कहा जाता है। यहां तक ठीक? प्रोसेस स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। अगर हम ओवरी की स्ट्रक्चर देखें तो वहां हमें जर्मिनल एपिथीलियम जनन उपकला का एक स्तर दिखाई देता है। दूसरी संरचना जो ओवरी में हमें दिखती है वो है इसका कॉर्टेक्स वाला भाग और इसका मेड्यूला वाला भाग। ओवरी का जो कॉर्टेक्स है वहां जब हम देखते हैं तो वहां हमें कई पुटिकाएं, ओवेरियन फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। ओके, और जो मेड्यूला वाला भाग है वहां हमें रुधिर वाहिनियां हैं, लसीका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, ये सब दिखाई देती हैं। जो
पुटिकाएं या जो फॉलिकल्स हैं उनमें ऊसाइट्स अंडजनन की विभिन्न अवस्थाएं उपस्थित होती है पुटिकाओं में। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो अंडजनन की क्रिया है, साइट पता चल गई कि मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंडजनन कहलाती है, और ये जो क्रिया है वो फीमेल गोनेड यानी अंडाशय ओवरी में होती है। और ओवरी में भी हमने डिस्कस किया कि जो इसका कॉर्टेक्स वाला भाग है, वलकूट वाला भाग है, वहां फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स पुटिकाएं हैं, उन पुटिकाओं में ये अंडजनन की क्रिया हो रही है। यहां तक ठीक। दूसरी बात, जैसा हमने शुक्र जनन में भी डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, वैसा यहां डिस्कस करते हैं। एडीनो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का एक भाग है, वो FSH फॉलिक्यूलर स्टीम्यूलेटिंग हार्मोन पुटीका प्रेरक हार्मोन स्त्रावित करता है, उसी FSH की प्रेजेंस में ओवरी में ऊजेनेसिस अंडजनन की क्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन हमने ऐसा डिस्कस किया था कि मेल जो नर सदस्य है उसमें जो शुक्र जनन की प्रोसेस हो रही है वो प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था में प्रारंभ होती है, लेकिन जो ऊजेनेसिस जो फीमेल की ओवरी में हो रहा है ये ऊजेनेसिस उस समय प्रारंभ हो जाता है जब ये मादा अपनी मदर के गर्भाशय में परिवर्धित हो रही है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज 12 से 13 साल की जो एज है उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है उस समय कि जितने ऊगोनिया बनने हैं वो सब बन गए, और मियोसिस फर्स्ट यानी जो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस की, वहां आकर डिवीजन रुक जाते हैं, आगे के डिवीजन प्यूबर्टी एज के बाद में होते हैं। तो जो अंडजनन की मल्टीप्लीकेशन गुणन अवस्था है वो गर्भावस्था जब भ्रूण अवस्था में है शिशु, और वो शिशु मादा है फीमेल है गर्ल है, तो उसी समय ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये एक बेसिक अंतर हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस का। तो अंडजनन की प्रक्रिया पर जिस हार्मोन का कंप्लीट कंट्रोल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडीनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन है, और इसी हार्मोन के कारण अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहां तक ठीक। अब डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल हो गया, प्रोसेस कहां होगी वो आपको समझ में आया। ओके, क्या होता है, योक सैक पीतक कोश एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है, तो वहां से प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ब्लैक बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अभी, कि जो आदि जनन कोशिकाएं हैं
प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है। ये माइग्रेट होकर, यानी ये पीतक कोश में थी और वहां से ये माइग्रेट होकर एंटर हो गई अंडाशय में, गोनेड में। यहां तक क्लियर? तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल योक सैक से माइग्रेट हुई और ओवरी जो फीमेल गोनेड है उसमें एंटर हो गई। यहां तक ठीक? ओवरी में एंटर होने के बाद इन सेल्स ने माइटोसिस डिवीजन किए, समसूत्री विभाजन किए और खूब सारी ऊगोनिया का निर्माण किया। अब ये जितने ऊगोनिया बने, ये सब मैं बात कर रहा हूं यहां से पहले पहले तक का, ये उस समय ही हो गया है जब ये फीमेल गर्भाशय में अपनी माता के परिवर्धित हो रही है, यानी प्यूबर्टी स्टेज से, यानी बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस हुए, खूब सारे ऊगोनिया बने। ये जितने ऊगोनिया बने दे ऑल आर 2n डिप्लॉइड सेल्स हैं। ये जो ऊगोनिया है वो मिलियंस, लाखों की संख्या में बनते हैं, लेकिन अधिकांश ऊगोनिया इनमें से डीजनरेट हो जाते हैं। केवल कुछ ही जो होते हैं वो इस प्राइमरी ऊ साइट में कन्वर्ट होंगे। तो हम वहां तक नहीं आ रहे हैं अभी। माइटोसिस हुए, खूब सारे ऊगोनिया बने, ये ऊजेनेसिस की आपकी पहली स्टेज है जिसे मल्टीप्लीकेशन गुणन अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस समय जो मल्टीप्लीकेशन है, केवल समसूत्री विभाजन होंगे। इस कारण जो ऊगोनिया बनेंगे वो सभी डिप्लॉइड 2n होते हैं। तो कई सारे ऊगोनिया बने लेकिन केवल कुछ ही जो एक्चुअल में आकार में बड़े थे वो प्राइमरी ऊसाइट, या मैं ऐसा कहूं नाउ दे एंटर इनटू सेकंड फेज जिसे हमने नाम दिया है ग्रोथ फेज। तो सभी ऊगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर नहीं करेंगे, केवल कुछ ही ऊगोनिया जो साइज में बड़े हैं वे ग्रोथ या वृद्धि अवस्था में प्रवेश करते हैं। यहां तक ठीक? तो पहली स्टेज, पहली अवस्था हो गई गुणन अवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज। आगे चले, अब ग्रोथ फेज है, वृद्धि की अवस्था, आकार में बड़ी वृद्धि हो रही है। यानी ग्रोथ फेज में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन, ना समसूत्री ना अर्धसूत्री, कोई विभाजन ग्रोथ फेज के दौरान नहीं होगा। तो जो स्ट्रक्चर वृद्धि अवस्था के बाद बनेगी उसे हम प्राइमरी ऊ साइट का नाम देते हैं। ये जो प्राइमरी ऊ साइट बनी है ये भी द्विगुणित 2n है, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं हुआ, केवल ग्रोथ हुई। या एक इंपॉर्टेंट बात हम याद करें, हालांकि अलग से उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, ऊजेनेसिस के समय जो ग्रोथ फेज है वो बहुत लंबी, लंबे समय तक चलने वाली है, और इस ग्रोथ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को कहा है प्री वाइटेलोजेनेसिस, यानी अंडे में अंड जनन के समय पीतक योक का संश्लेषण होता है, और ये योक परिवर्धनशील भ्रूण के लिए पोषण का, न्यूट्रिशन का काम करता है। तो योक का निर्माण, उसका संगठन,
तो ऐसा कहते हैं सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ योक इन एग सेल इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस। तो ग्रोथ जो फेज है वो टू स्टेप में डिवाइड है, प्री वाइटेलोजेनेसिस यानी उस योक के सिंथेसिस के पहले जो ग्रोथ हो उस ग्रोथ को तो कहेंगे प्री वाइटेलोजेनेसिस, और दूसरा है पीतक यानी योक का निर्माण, तो उस फेज को कह देंगे वाइटेलोजेनेसिस। सो ड्यूरिंग द ऊजेनेसिस द ग्रोथ फेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं था। आगे चले, जो थर्ड फेज ऊजेनेसिस की है वो है मैच्यूरेशन, विभेदन अवस्था, इस समय मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होगा इस समय, प्राइमरी ऊसाइट मैच्यूरेशन में एंटर करेगा और अब मियोसिस फर्स्ट होगा। यहां तक ठीक, लेकिन हुआ क्या इस समय आकर कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था है इसकी, यहीं पर आकर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टॉप हो गया, रुक गया। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रोफेज प्रथम पर आकर अरेस्ट हो चुका है, रुक गया है। अब वो विभाजन किशोर अवस्था में आने पर होगा, इससे पहले नहीं होगा। यहां तक ठीक, तो रुक गया विभाजन। इसी समय हम क्या देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट में कि इस अंडजनन के दौरान हम यहां देखेंगे परिवर्धनशील अंडाणु में हमें लैंप ब्रश क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र। फर्स्ट ईयर में आपने सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स वाले पेपर में इनके बारे में पढ़ा होगा, तो उस समय ये दिखाई देते हैं और इनका संबंध भी वृद्धि ग्रोथ से होता है। तो अरेस्ट हो गया डिवीजन, वो विभाजन आगे कब होगा, जब किशोर अवस्था आएगी। तो यहां तक का काम जन्म से पहले ही हो गया, अब आगे के विभाजन जन्म के बाद किशोर अवस्था आने पर होंगे। और ये जो मियोसिस फर्स्ट है जब अब कंप्लीट होगा, इट इज अनइक्वल, असमान विभाजन है। एक बड़े आकार की कोशिका बनी उसको तो हम कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, एक बहुत छोटी कोशिका बनेगी जिसे पोलर बॉडी ध्रुवकाय कहते हैं, ये आगे विभाजन में भाग नहीं लेगी। सेकेंडरी ऊसाइट आगे डिवीजन में हिस्सा लेती है। यहां तक ठीक। अब ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, अब ये उस ग्रेफियन पुटिका में, मैंने कहा था खूब सारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, बड़ा फॉलिकल है वही आगे एंटर करता है। तो अंत में हम क्या देखते हैं कि एक ग्रेफियन पूर्ण परिपक्व पुटिका बनी हुई है, उसमें ये सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। अभी तक का काम पूरा FSH के नियंत्रण में था, अब LH हार्मोन आएगा। तो अभी ग्रेफियन पुटिका में सेकेंडरी ऊसाइट है, मतलब मियोसिस सेकेंड अभी नहीं हुआ, रुका हुआ है। कब होगा, LH आएगा, ग्रेफियन पुटिका से सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकलेगी। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। तो LH की प्रेजेंस में ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी ऊसाइट ग्रेफियन पुटिका से बाहर निकला और अब वो फैलोपियन नलिका में गया। यहां तक ठीक। मियोसिस सेकेंड अभी नहीं हुआ है, कब होगा, अगर स्पर्म शुक्राणु सेकेंडरी ऊसाइट में एंटर करे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये रुका हुआ मियोसिस सेकेंड पूरा होगा। इट इज ऑल्सो ए अनइक्वल डिवीजन, ये भी असमान है। एक बड़े आकार का अंडाणु बनेगा
और एक छोटे आकार की ध्रुवीय काय फिर बनेगी। अगर मान लो स्पर्म एंटर नहीं होता तो मियोसिस सेकेंड होता ही नहीं, इसी सेकेंडरी ऊसाइट के फॉर्म में ही जो रज चक्र ऋतु स्त्राव अवस्था आती, ये सेकेंडरी ऊसाइट फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाता। तो ये पूरी मियोसिस डिवीजन हुए, इसे हमने मैच्यूरेशन फेज नाम दिया। तो ये अंडजनन की जो थ्री फेजेज थी जिनके हमने नाम दिए थे, मल्टीप्लिकेशन गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज वृद्धि अवस्था, मैच्योरेशन यानी विभेदन अवस्था, इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज बेसिकली तीन बातें मैंने डिस्कस की है, साइट ऑफ ऊजेनेसिस, अंडजनन की क्रिया कहाँ होती है, दूसरा मेरा डिस्कशन था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ऊजेनेसिस, अंडजनन की प्रक्रिया पर कौन से हार्मोनों का नियंत्रण है, और फिर एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमने ऊजेनेसिस की प्रोसेस को डिस्कस किया, क्या फेजेज है और क्या होता है। साथ साथ में मैंने आपको ये जानकारियां भी दी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्म का फॉर्मेशन वो, और जो ऊजेनेसिस है ओवा का फॉर्मेशन, उनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या है वो डिस्कशन किया। और ग्रोथ के समय हमने बताया कि टू पार्ट्स में ऊजेनेसिस की ग्रोथ बटी हुई है, एक को हमने कहा था प्री वाइटेलोजेनेसिस, दूसरी को हमने कहा वाइटेलोजेनेसिस। हालांकि वाइटेलोजेनेसिस यानी योक का सिंथेसिस, योक का डिपोजिशन, इस पे हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक वाइटेलोजेनेसिस पे दिया हुआ है। ऊजेनेसिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां हमने आज देखी कि ऊजेनेसिस की प्रोसेस जन्म से पहले ही लेडीज में या महिलाओं में शुरू हो जाती है, तो वो डिस्कस किया हमने, और किस प्रकार मियोसिस फर्स्ट के समय विभाजन रुक गया, मियोसिस सेकंड के समय विभाजन रुक गया, ये बातें डिस्कस की। ऐसा परिवर्तन हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के समय नहीं देखा था। यहां तक ठीक, हार्मोनों का कंट्रोल हो गया, स्टेजेस हो गई। तो बेसिकली जो आइडिया है वो तीन फेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस की भी थी, मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ मैच्यूरेशन, ठीक वैसा ही यहां पर भी है। यहां पर भी वो थ्री फेजेस हैं, मल्टीप्लीकेशन है, ग्रोथ है, मैच्यूरेशन है, और जो जो डिफरेंसेस थे वो हमने आज समझे। यहां तक ठीक। तो आज का जो टॉपिक था ऊजेनेसिस, आपको समझ में आया होगा। तो इस पेपर के हम तीन टॉपिक अब तक डिस्कस कर चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दो पार्ट मैंने बताए थे आपको, ऊजेनेसिस आपके एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया। कल हम एक काम करेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर, ओवा की स्ट्रक्चर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम वाइटेलोजेनेसिस पे डिस्कशन हमारा करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।